नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु बिजनेस ओडियर आपको बहुत बहुत हृदय से स्वागत आपड़ी आम चैनल को नुआ करते हैं तेज दया चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन प्रेस कर दिखाते वीडियो पसंद लगे तो लाइक और कमेंट निश्चित करूँ। तो फ्रेंड्स आलू पिज होलसेल बिजनेस ए बिजनेस आप किपर आरंभ करेंगे शस्तु शस्ता माल आपंट कौट मिल और पेमेंट सिस्टम केमती कौन रुहे से विषय में जापर से भिडियो को शेष पर्यटन निश्चित देखूँ। देखूँ फ्रेंड्स आलू पिज एमती जिनस जोटा सबुबले सबु घरे व्यवहार करा जाए वर्षक बार मस समस्त फैमिली यह कंज्यूम करा जाए तो ये बिजनेस केवेले भी बंद होबार ना बरम यार डिमांड मार्केट में बढ़ी बढ़ी चली आगे केमती बढ़ी बढ़ी चलु थी आपन जदि यार होलसेल बिजनेस जो भी स्टार्ट करोसी बड़ सहर हो कि छोट भी सहर हो बिजनेस आपंका डेफिनेटली रन कर एबे आसन जानवे आपन किपर शस्तु शस्ता पिज पाइपर देखो आम देश में सर्वाधिक पिज उत्पादन हुए महाराष्ट्र गुजरात कर्णाटक और राजस्थान में आम देशर यह राज्य मानक प्रचुर परिमाण में पिज उत्पादन करी आप राज्य मानु पिज किणती आपंक होलसेल बिजनेस लाभदायक हो पार आपण समस्त जानते जो जगार जो जिनस अधिक परिमाण उत्पादन हुए से ही जगह ही से ही जिनसर प्राइस आपन को शस्तार मिलता है आपन को यहाँ देखार अच्छे के राज्य क्यों समय अधिक परिमाण में पिज उत्पादन कर मनेकर जनवरी है महाराष्ट्र अधिक उत्पादन हो जून जुलाई में मनेकर कर्णाटक हो तो यहाँ आप जानले से ही समय ही आप पिज किपारे आपन को बहुत कम प्राइस मिलता है शस्तु शस्ता मिलता है कारण से ही समय कृषक ता फसल को सेल करते आपड़ देखुए बेले पिज रेट एत बढ़ी जाए शहे टाँग शहे कोड़े टकर सेल हुए यहीटा कहीं हुए ना फास्ट ऑफ़ ऑल आम देश पिज बाहर को रप्तानी होक्सपोर्ट जहाँ कहते हैं आदि पिजर स्टक् आम देश में कम थाए से ही समय पिजर दर बढ़ा जाए एबे आसु जानिबा एतुर आपण किपरि अधिक रु अधिक लाभ पाइपरिबे देखंतु कृषक माने ताको खेत सरु सरु सब माल सेल कर दियंती तो बड़ बड़ होलसेलर कोन करती ना ताकर सब माल किनि दियंती आउ से माने गोटे गोटे कोल्ड स्टोरेज बनाई के रखिथांती जोटि कि आलू प्याज से माने दीर्घ समय पई साइड करी रखिथांती एते कूलिंग करंती जे आलू प्याज अन्य पदार्थ माने मध्य सेतरे खराब होंती नै दुई तीन मास गला पर जेतबेले प्राइस टिके इंक्रीज हुए तो से माने से माल को बाहर करी कि मार्केट रे सेल करती आपड़ी अधिक रु अधिक लाभ कमे चाहते तो आप चाहिए गोटे कोल्ड स्टोरेज बनई पारे जब आप होलसेल बिजनेस आरंभ करने को चाहती आपसबू किणवे केमी ए दुईट वे अच्छी ए गोटे आपड़ जानते ब्रोकर नहीं पारे आउ चाहिए आप निजे चाषी मान कंटाक्ट करेंगे आपन को बहुत ब्रोकर मिल जाए जे आपण को किसी एक दुई परसेंट नहीं कि आपन को होलसेल माल किणदे कारण से चाषी मान सहित कंटाक्ट रही है तो से एजेंट मैंने आपन को हेल्प करेंगे आउ सेकेंड है आप डायरेक्ट चाषी मान सह जाए कंटाक्ट करवा ए गोटे प्रॉब्लम अच्छी आपत जानवे केत उत्पादन हो गए हूँ पिजर विभिन्न प्रकार वैरायटी अच्छी आपन को प्राइस ठीक से भी जानी नथिबे तो से आप एजेंट रहा नहीं पारे से उपयुक्त दर में किणई पारे आपन जी किणुंट तार से एक दुई परसेंट नहीं था तो से आपन को हेल्प हो कृषक मैंने बड़ बड़ ट्रक बड़ बड़ वेहिकल साहय माल लोड कर पठाई था जानवा पेमेंट सिस्टम एमती ए दुई प्रकार पेमेंट सिस्टम रही है गोटे फुल पेमेंट मैंने जितेबाला आपंकर गाड़ी लोड हो जिनस लोड हो समय आपको कृषक को सब पैसा देवाक पड़ो आते जो आप फुल पेमेंट कर गोटे अच्छी कंडीशन आपन को जो दर में चलू थ मार्केट प्राइस जो प्रडक्ट आपंटर आपको किसी दर अनुसार 5-6% लेखा डिस्काउंट मिलता है जदि आप फुल पेमेंट कर आउ गोटे पेमेंट अच्छी अधा अधा कर मनकर आप लोड चलती आप कृषक को 50% देगले आउ बाकी 15 दिन पर सेल हेलापर आपे से ब्रोकर उपर डिपेंड करते जदि ब्रोकर बुझे पार्ला तो जदि ब्रोकर आपके संपर्क भल अच्छी और चाषी को बुझे पार्ला तो आप चाहिए पेमेंट टी डिले करेंगे एवं आस जाना ए बिजनेस में आप कौन आवश्यक आपन ए बिजनेस क्यों आरंभ करेंगे आवश्यक तो ये बिजनेस आपड़ जो आखपाख होलसेल मार्केट थी पर मार्केट थी लोक मैंने से जगह आसी पर बिकुवे तो आप से ही जगह ही आप होलसेल स्टार्ट करूँ कहीं से सब आपर व्यवसाय करुवे से सब आपंट कि मार्केट में सेल करेंगे आपन को GST नंबर सहित आपणी आपर रजिस्ट्रेशन करवाक पड़ो कहीं आपर एक होलसेल बिजनेस फ्यूचर बिजनेस आहरी डेवलपमेंट हे तो किसी प्रॉब्लम न होगा आपको GST सहित कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा आवश्यक ए बिजनेस को आप चाहिए 1 लाख-4 लाख टंका पर्यंत निवेश करी मध्य आरंभ करेंगे आउ प्रॉफिट है आपन जो दर में किणुंटे प्रॉफिट निर्भर करते आउ ए अच्छा खासा प्रॉफिट रही है जदि आप बिजनेस कर अच्छा खासा इनकम जेनरेट करें
ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖ ହୋଟେଲ ବଡ଼ ବଡ଼ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବି ଜାଣିବେ ଏଠି ଗୋଟେ ହୋଲସେଲର ଅଛି ଯେଉଁଠି ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ବି ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ମାର୍କେଟିଂ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କିଛି ପେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ଛପେଇ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ବି ଥାଏ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ସହର ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ରିଟେଲର ସପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍କୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଥିବ ଭଲ କଥା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ରେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଚାକାଶା ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ଜେନେରେଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଲସେଲ୍ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଅଛି ଆଳୁ ପିଆଜ ଇତ୍ୟାଦି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ ଓ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କରାଯାଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଉଠୁ ହିଁ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଫିଟ୍ ଭଲ ବାହାରିଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।